नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। बॉलीवुड हस्तियों द्वारा पान मसाला के विज्ञापन को लेकर पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त बहस चल रही है। अजय देवगन के बाद शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और हाल ही में अक्षय कुमार ने भी पान मसाला का समर्थन किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। हालांकि अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ने इस तरह के विज्ञापनों के लिए प्रशंसकों से माफ़ी मांगी और भविष्य में इस तरह के विज्ञापन नहीं करने का वादा भी किया। अक्षय कुमार ने यह भी कहा कि इस विज्ञापन से कमाए गए पैसे को दान करेंगे। मामला अभी सुलझ नहीं पाया था कि एक IAS अधिकारी ने सोशल मीडिया पर गुटखा और पान मसाला से जुड़ा बड़ा मुद्दा उठाकर इन हस्तियों से सवाल किया। अवनीश शरण नाम के इस IAS अफसर ने गूगल को श्रेय देते हुए हावड़ा ब्रिज की एक तस्वीर शेयर की, जिसके साथ खंभे पर लोगों ने खूब गुटखा थूका है। एक ही जगह पर लोग बार बार थूकने के इस स्तंभ का रंग भी पूरी तरह से लाल हो गया है। IAS अधिकारी ने इस तस्वीर को शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार को टैग किए हुए शेयर किया और अपने ट्वीट में पूछा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का कहना है कि 70 साल पुराना यह प्रतिष्ठान पुल गुटखा थूकने से बर्बाद हो रहा है। एक दिन बाद IAS अधिकारी ने हावड़ा ब्रिज की एक और तस्वीर शेयर की, जिसमें खंभों पर मैचिंग कलर की शीट लगाई जा रही है ताकि लोग वहां गुटखा थूक कर बर्बाद ना कर सकें। अधिकारी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, देखो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने गुटखा प्रेमियों की सुविधा के लिए क्या कमाल का कदम उठाया है। अब गुटखा थूकने वालों को किसी अपराध का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही पुल को गुटखे के हानिकारक रसायन से भी बचाया जाएगा। इस ट्वीट में भी IAS अफसर ने शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार को टैग किया। हालांकि दोनों के ट्वीट पर इन सुपरस्टार्स का कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप समझते हैं कि गुटखा थूकने से तमाम हमारे पर्यटन स्थल बर्बाद हो रहे हैं, बदसूरत हो रहे हैं और हमारे पर्यटन स्थलों की खूबसूरती खत्म हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हावड़ा ब्रिज को बचाया गया है। आप भी अपने सुझाव और कमेंट्स हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।